और अब सना की तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर है। राशिद ले आया था उसे घर, अपने कमरे में सो रही है। यहाँ पे वो कैसे पालेगा? और तुम्हारी मेरी अब उम्र नहीं है बच्चे पालने की। वैसे नादरा कमाल हो गया है। तुम पागल हो गई हो, रात भर हॉस्पिटल में ख्वार हुई हो, कह रही हो कमाल हुआ है। यही तो कमाल हुआ है। जवाद और इफ्रा की मंगनी खत्म हो गई और इफ्रा ने खुद हामी भरी है राशिद से निकाह करने की। क्या कह रही हो? हाँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम देखना, मैं अपने जवाद की किसी बहुत ऊंचे घराने में शादी करूंगी। दिखाओ। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कमाल ही हुआ है। राशिद का घर बस गया और जो तुम चाह रही थी अब वो हो जाएगा। हाँ, बस तुम दुआ करो कि आगे भी सब बहुत अच्छा अच्छा हो जाए। हमेशा दुआ करती हो। और वैसे तुम भूल रही हो किसका मशवरा था? मेरा। और मैं जो बात कर दूँ ना वो पूरी होकर रहती है। अब तुम देखना जवाद के लिए कितनी हसीन शानदार लड़की लेकर आऊंगी मैं, इंशाल्लाह। और तुम देखो कैसा हसीन इत्तेफाक है, आज ही मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लेकर आऊं। हैं, मंगवाओ ना, मुंह मीठा करते हैं। अच्छा, कहाँ, किसको दिया? रखा है किचन में रखा। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे नरगिस, ये तो बताओ कि राशिद माना कैसे? पहले तो बड़ा अक्कड़ रहा था। अरे भाई, सना की खातिर बेटी से बहुत प्यार करता है वो, और उसे ये भी पता है कि इफ्रा से बेहतर उसे कोई नहीं संभाल सकता। वरना सच्ची बात तो ये है कि राशिद को इफ्रा कोई खास पसंद नहीं है, बस अपनी बेटी की खातिर कड़वा घूंट पी रहा है मेरा बच्चा। औलाद चीज़ ही ऐसी है। अच्छा बताओ, कब शादी कर रही हो इफ्रा और राशिद की? जल्द अज जल्द। शादी क्या, सादगी से निकाह पढ़वा कर ले आएंगे घर। और वैसे भी राशिद की कौन सी पहली शादी है? पहले शादी पर हमने सारे अरमान निकाल लिए थे। हाय नरगिस, लेकिन उस बेचारी इफ्रा की तो पहली शादी है ना। अरे हुआ करे, हमसे नहीं किए जाते इतने खर्चे, अब पहले कर लिए थे। और वैसे भी फयाज और आफिया का तो भला ही हो रहा है ना, उनकी बेटी को बगैर जहेज के, बगैर उनका कोई खर्चा किए ब्याह कर हम घर ले आएंगे। सच कह रही हो। केक तो मंगवाओ, हमारा फेवरेट है। रशीदा भाई, चाय के साथ केक भी ले आओ। आप? अम्मी अबू नहीं है घर पे। मैं तुमसे बात करने आया। क्या बचा है कहना? कुछ नहीं बिगड़ा, मैं मानता हूं मैं खुद घर से हो गया था। तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाऊंगा और अब्बा से बात करूंगा। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरी मोहब्बत मजाक है क्या? जब दिल चाहा कर दी, जब दिल चाहा ना कर दी, मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं है। और अब क्या ठीक करेंगे आप? अब तो सब तबाह हो चुका। मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। तो अब भी आपको अपने ही तबाह होने की फिक्र है? मेरी नजर में फिर गिर गए हो जाओ। कम से कम दुनिया के सामने तो अपनी इज्जत का भरम रहने दो। मैंने हाँ कह दिया शादी की, हाँ मैं करूंगी। तुम्हारी तरह अपनी बात से मुकरने वाली नहीं हूं। प्लीज जवाब, कभी
चले जाओ यहाँ से। इश्क तेरा सताए सांसे है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे हैं दिल लगा, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना, हाँ तेरे गाने लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए, तू बेकदरावे तू बेपरवाहे, क्यों इतना सताए क्यों इतना रुलाए, बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशे है बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी, किस्मत है मुझसे क्यों खफासी, है मंजिले भी बेवफासी, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, उसके अलावा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो, तुम्हारे घर आई थी और तुम कमरे में थी, उस वक्त बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? कौन सी बेवकूफी? आंटी बता रही थी कि तुम राशिद भाई के साथ। क्या जरूरत थी इतनी कुर्बानी देने की? क्यों कर रही हो खुद पे जुल्म? ऐसी कोई बात नहीं, तुम जवाद से मोहब्बत करती थी ना, फिर अब मोहब्बत तुम्हें सना से भी करती। अरे बच्चे पल जाते हैं यार, तुम्हें याद नहीं है कि राशिद भाई का समरा के साथ कैसा रवैया होता था? सब कुछ जानते बूझते अपने आप को आग में झोंकने जा रही हो। राशिद बदल गया है। फितरत नहीं बदलती इंसान की, जज्बाती होकर मत सोचो, अकल से काम लो और शादी से इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अंकल तुम्हारे साथ है। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हें शादी करने से रोकूं। तुम ये ज्यादती ना सिर्फ अपने साथ कर रही हो बल्कि जवाद के साथ। कौन सी ज्यादती? कौन सा जुल्म? जिस पे भरोसा हो, जिस पे मान हो, जब वो ही पीछे हट जाए, हर वादे से मुकर जाए, तो इसके सिवा तो कोई रास्ता नहीं बचता ना कि आप अपनी इज्जत लेके साइड पे हो जाए। क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जवाद की मोहब्बत बिल्कुल सतह से थी, एक बुलबुले के मानो। उन्हीं मोहब्बत की आग में मेरी मोहब्बत, मेरा वजूद बिल्कुल हकीर पड़ गया था। जवाद ने मुझसे राशिद से निकाह करने को कहा तो फिर ठीक है, मेरे लिए भी मेरा खून मेरी भांजी बहुत अहम है। और अब तो जवाद की मोहब्बत की कोई औकात ही नहीं रही ना मेरी नजर में। जवाद और मेरे दरमियान एक ही रिश्ता रह गया और वो है नफरत का। उसे निभाने मुझे। इश्क तेरा सताए सांसे है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की, गम की चुभन है
फिर रुलाए फोन आया था भाईजान का, जुम्मे को निकाह के लिए आना चाहते हैं। इतनी जल्दी? अगर हमारी तो कोई तैयारी नहीं है। क्या कहूँ? आप अगले माह का कह दें उनसे। अभी तो कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं की हमने। कोई जरूरत नहीं है, जैसा अबू कह रहे हैं वैसा ही करें। इफ्रा, मैंने कहा ना अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मैंने अपनी ख्वाहिश को तुम्हारा मुस्तकबिल बनाकर अच्छा नहीं किया। समरा की मोहब्बत में तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। थी भी और है भी, मैं भी इसी मोहब्बत के खातिर सब कुछ कर रही हूं। आप खुदा का वास्ता, खुद को कसूरवार मत समझें। कसूरवार हूं मैं? तुम्हारा खामोश चेहरा, ये बुझा हुआ वजूद, वीरान आंखें मुझे मेरे जुर्म का एहसास दिलाती। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनी। मम्मी, आप अपने दिल से एहसास निकाल दें कि आप कसूरवार हैं। पता है, मैं तो आपकी मोहब्बत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा बच्चा, आपने बुलाया था? राशिद का निकाह है इफ्रा के साथ। मैं जा रहा हूं। क्या तुम भाई की शादी में शामिल नहीं होगे? काश के इतना बहादुर होता मैं। सब कुछ हो चुका है, मुझे जाना होगा। देखो जवाद, उस लड़की के लिए तुम्हारे दिल में जो भी जज्बात है ना, बेहतर होगा उन्हें अपने अंदर दफन कर दो, क्योंकि अब वो तुम्हारे भाई की बीवी बनकर इस घर में आ रही है। अभी तो बुजदिल बनकर इस सारी सूरत हाल से भाग कर जा रहे हो ना, कल को वापस तुम्हें इसी घर में आना है। फिर अपने ये जज्बात उभरने ना देना जो इस वक्त मार कर जा रहे हो। बड़ी पक्की कब्र बनाना अपने दिल के अंदर। कब्र की आप फिक्र ना करो,
आकर इफ्रा इफ्रा की तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लड़की जब निकाह के बंधन में बंध जाती है ना, तो अपने दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का नाम लिख देती है। कोई दूसरा ताल्लुक रिश्ता उसे याद भी नहीं रहता। लेकिन बेटा तुम अपना दिल बुरा मत करो। तुम देखना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ऐसी चांद सी लड़की ढूंढ कर लाएगी कि बस तुम उसे देखते ही रह जाओगे। आपको लगता है इसके बाद मैं किसी से शादी करूंगा? कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें करने की। क्यों नहीं करोगे तुम शादी? जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम्हारी माँ सबसे पहला काम यही करेगी। और क्या जरूरत पड़ी है लोगों को बातें बनाने का मौका देने की कि इफ्रा के सोग में तुमने शादी नहीं की। पैकिंग करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं लोगों को बातें बनाने का मौका देने की, समझे तुम? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं नहीं रुक सकता। इधर देखो जवाब, मेरी तरह तुम कहीं नहीं जाओगे, कम अज कम राशिद की शादी तक तो कहीं भी। सारी रस्में तुमने अदा कर दी जवाब। समरा भी मैं आपके लिए जीते जी तो कुछ ना कर सकी, मगर मेरा वादा है कि मैं सना को एक माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी खाल हूं। जवाद जी, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। कहाँ जाने? इफ्रा का सामान देने। इफ्रा वही जोड़ा पहन लेगी अपने निकाह पर जो तुम दोनों ने जाकर एक साथ पसंद किया था। किस सोच में पड़ गए हो जवाद? कुछ नहीं। अब ये मत भूलो कि इफ्रा तुम्हारी होने वाली भाभी है, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अभी तो आप भी ये मत भूलें कि इफ्रा बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस घर में आ रही है। और जो आप लोगों ने सलूक समराबाजी के साथ किया था, मैं इफ्रा के साथ यहाँ नहीं होने दूंगा। चलो जी, हो गया काम। तुम औरतों के मामले में मत बोलो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, चलो मेरे साथ। अम्मी, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, मुनासिब नहीं है मेरा वहां जाना। इसका मतलब है कि अब भी इफ्रा के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है ना? अम्मी, आप जहां कहेंगी ना मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन ये बातें करना आप छोड़ दें प्लीज।
को क्यों बुलवा लिया? नहीं लगवानी है मुझे मेहंदी। बेटा, नरगिस भाभी ने बहुत इसरार किया, माना के धूमधाम से न सही, अगर तुम्हारी तो पहली शादी है ना, मुझे नहीं लगवानी। फजूल बातें मत करो, वरना सब समझेंगे कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी तो हो ही, अगर तुम्हारे जैसी खाला कोई चराग लेकर ढूंढे भी तो नहीं मिलेगी। जो नेकी तुम करने जा रही हो उसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा मेरी बेटी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाएगी। मैं सना पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी, उसे जमाने की धूप से बचूंगी, अपनी पलकों पर बिठाकर पालूंगी मैं उसे। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सारी खुशी नसीब करे। रंग ज्यादा चढ़ जाए तो होने वाला शौहर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इफ्रा बाजी, समरा बाजी की शादी पर उनके मेहंदी का रंग नहीं आया था, याद है ना आपको? लग गई मेहंदी। अरे ये क्या, आपने इफ्रा बाजी के हाथ पर जवाद भाई का नाम लिख दिया? इनकी शादी जवाद भाई से नहीं, राशिद भाई से हो रही है। माफ करना, मैं भूल गई थी। अरे आपने मिटा क्यों दिया, पूरी मेहंदी खराब कर दी। इस नाम की कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। बेजुबान ये बातें मेरी ख्वाहिशें हैं बुनती, दर्द की दुहाई सारी इश्क की सजा थी। किस्मत है मुझसे क्यों खफा सी, है मंजिले भी बेवफा सी। अम्मी मैं जा रहा हूँ, आपने जब घर वापस जाना होगा तो मुझे कॉल कर लीजिए। अरे आफिया कहाँ रह गई हो भाई तुम? बस आ गई भाभी, बोतलें लेने गई थी ताकि आप लोगों को गर्मी न लगे। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको
अरे इफ्रा, तुमने ये जोड़ा पहन लिया? ये तो मैंने शादी के तीसरे दिन के लिए रखा था। तुमने वो जोड़ा क्यों नहीं पहना जो तुमने और जवाद ने खरीदा था अपनी शादी के लिए? मेरा मतलब है वो पहनना चाहिए था। अरे भाई, दूल्हा कोई भी हो, दुल्हन तो तुम्हीं ने बनना था ना। सही कहा, दूल्हा कोई भी, मुझे से कोई गर्ज नहीं है। आज से मुझे सिर्फ सना की फिक्र है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। आप नहीं समझ सकती। अगर आप समझती तो। मैं मुख्तार से निकाह के लिए कहती हूँ। और हाँ, हमारे ताया जान ने तुम्हारा हक महर पूरे 15 लाख लिखवाया, समरा से पूरे 5 लाख ज्यादा। क्या जरूरत थी भाभी? जरूरत थी आफिया, क्या पता इफ्रा निकाह के वक्त कोई नया बखेड़ा डाल देती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही बता दूं। चलो अब मैं मुख्तार से कहती हूँ निकाह की। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। जो कह ना पाए आँखों ने वो कह दी, साथ रह के मिल ना पाए क्यों है बेरुखी सी। हमसे खता क्या हो गई थी, है बेवजह सी जिंदगी। हाँ तेरे मन लागे।
इश्क तेरा सताए सांसें हैं थमी सी नैना मेरे बहते जाएं ऐसी जो वफा की गम की चुभन है फिर रुलाए के पास। अम्मी ने कहा था वो रख लेंगी, मुझे और तुम्हें कुछ आराम की जरूरत है, क्या ख्याल है? खैरियत है? तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? राशिद भाई ने कुछ कहा आपसे? मतलब शायद आप भूल रहे हैं कि रिश्ते में अब मैं आपकी भाभी हूं। आइंदा अपनी हद में रहिएगा।
क्या कर रही हो? और तुमने कपड़े क्यों बदले? सना को मुझे दे। मैं संभाल रही हूं, तुम जाओ कमरे में, राशिद इंतजार कर रहा होगा। मैं यहां सिर्फ सना के लिए आई हूं, लाइन से मुझे दे। तुम सिर्फ इसकी मां नहीं हो, राशिद की बीवी भी हो, ये याद रखना। मैं किसकी क्या हूँ बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, किसी को जरूरत नहीं मुझे कुछ याद दिलाने की।